बिहार के रोहतास में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 20 वर्षों से फरार चल रहे 50,000 का इनामी कुख्यात नक्सली शेख अख्तर, जो कि नोहटा थाना क्षेत्र के नौडिहा का रहने वाला है, उसे पुलिस की स्पेशल टीम ने सोनभद्री उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के अनपारा से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो इस कुख्यात नक्सली को कई सालों से रोहतास के साथ साथ औरंगाबाद व कैमूर पुलिस भी कई कांडों में ढूंढ रही थी। रोहतास SP आशीष भारती ने बताया कि पुलिस की विशेष टीम की छापेमारी अभियान के दौरान गुप्त सूचना मिली कि कई कांडों में फरार चल रहे कुख्यात नक्सली उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के अनपार थाना क्षेत्र में छिपकर रह रहा है। इसी सूचना पर कार्रवाई के दौरान यूपी पुलिस के सहयोग से अनपारा थाना क्षेत्र में जब छापेमारी की गई तो वहाँ कुख्यात नक्सली शेख अख्तर नौडिहा थाना नोहट्ठा का रहने वाले उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आशीष भारती SP रोहतास ने क्या कुछ कहा है सुनिए। नक्सली गिरफ्तारी में क्या मामला को रोहतास पुलिस के द्वारा लगातार रोहतास जिला को नक्सल मुक्त बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसी क्रम में रोहतास पुलिस के द्वारा सोनभद्र पुलिस के साथ समन्वय बनाते हुए आसूचना का आदान प्रदान करते हुए सोनभद्र के अनपारा से सोनभद्र पुलिस के सहयोग से एक कुख्यात नक्सली जिसका नाम मोहम्मद शेख अख्तर है, जो कि नौडिहा का रहने वाला है तथा नोहट्टा थाना, जो कि नोहट्टा थाना क्षेत्र में है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके ऊपर अभी तक नोहट्टा थाना क्षेत्र से ही 4 मामले उस पर दर्ज हैं, जिसमें मर्डर का भी मामला है और साथ ही साथ पुलिस बल पर हमला का मामला है और विस्फोटक पदार्थों के माध्यम से विस्फोट करने का भी मामला उस पर दर्ज है। इस प्रकार से इस मामले में 20 वर्षों से फरार जो अपराधकर्मी है जिसका नाम शेख अख्तर है, उसकी गिरफ्तारी की गई है। इसलिए फरार चल रहा था और इसमें 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था और इसकी गिरफ्तारी जो एक विशेष टीम बनाई गई थी उसके द्वारा सोनभद्र में सोनभद्र पुलिस के सहयोग से इस किया गया है। यह मुख्य रूप से नक्सली घटना कारित करने में शामिल रहा था, पुलिस पर हमला करने, पुलिस के विरुद्ध आसूचना संकलन करने तथा लेवी वसूलने। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।